Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and welcome to the math class. Dear students, today we are going to read a new um, chapter and that's time. Dear students, today uh, we will talk about uh, time. Do you know anything about time? What time is? Uh, dear students, time uh, means the continuous sequence of the, uh, events. Okay. Uh, Dear yes, students, uh, you must know uh, the time of all activities and uh, the work you have to do. Uh, for example, you must know the time uh, at what time you go to school, at what time you reach uh, to home, at what time you take your lunch, dinner, etc. At what time you sleep, at what time you take bath, um, you must update, you must be updated with the टाइम uh, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये टाइम हम किसे कहते हैं वक्त ठीक है तो हमें हर किसी का वक्त पता होना चाहिए uh, ठीक है तो अगर एंड द थिंग दैट शोज आज द टाइम दैट अपडेट आज विद द करेक्ट टाइम इज़ क्लॉक और वॉच हर किसी घर में क्लॉक या वॉच होता है तो हम उसी से टाइम पता कर सकते हैं ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स आज जो हम एक चीज़ पे फोकस करने वाले हैं वो है क्लॉक ठीक है ये क्लॉक क्या है ये हमें कैसे टाइम देता है ये हमें कैसे पता चलता है कि अभी कितना टाइम हुआ है ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक क्लॉक बनाया है ठीक है तो अगर आप देख सकते हो कि इसमें वन टू ट्व सारे नंबर्स है, है? तो और इसमें हैंड्स भी लगे हुए हैं देर आर टू हैंड्स इन अ क्लॉक तो एक क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं देर आर मेनली टू हैंड्स इन अ क्लॉक एंड देट आर लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड वो कौन सा कौन सा है एक तो है लॉन्ग हैंड एंड द अनदर वन इज शॉर्ट हैंड तो आया आपको समझ देर आर टू हैंड्स इन अ क्लॉक कौन कौन सा है लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड तो अभी आपको समझ आया होगा कि दो हैंड्स uh, होते हैं क्लॉक में उसके बाद जो ये लॉन्ग हैंड होता है द लॉन्ग हैंड इज़ द मिनट हैंड क्या जो ये लॉन्ग हैंड होता है इट्स कॉल द मिनट हैंड इट शोज द मिनट्स ओके यानी कि ये जो लॉन्ग हैंड है ये हमें मिनट्स दिखाता है एंड शॉर्ट हैंड इज़ दवर हैंड और जो ये शॉर्ट हैंड होता है क्लाक में उसका मतलब है ये हमें घंटे दिखाता है आवर दिखाता है देखिए ये एक क्लाक है इसमें टू हैंड्स लगे हैं दिस इज अ लॉन्ग हैंड दिस इज शॉर्ट हैंड जो ये लॉन्ग हैंड है इसका मतलब है मिनट हैंड लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड दूडेंट्स रीड आफ्टर मी येस लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड एंड शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आवर हैंड इट मीन्स जिस पे भी जिस नंबर पे भी शॉर्ट हैंड होगा दैट कॉल्ड द आवर हैंड तो उतने घंटे हुए होंगे और जिस नंबर पे भी लॉन्ग हैंड यानी कि मिनट हैंड होगा उसका मतलब है कितने मतलब मिनट्स हुए हैं ठीक है तो अभी आपको समझ आया होगा कि दो हैंड्स होते हैं क्लॉक में लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड इज़ कॉल्ड द मिनट हैंड एंड शॉर्ट हैंड इज़ कॉल्ड द आवर हैंड आया समझ तो यहाँ पे आप बुक पे है द म्यूज़ियम ओपनज़ एट डैश ओ क्लॉक रिमेंबर दिस इज़ ओ क्लॉक ओके तो म्यूज़ियम जो है वो किसी टाइम पे ओपन होता है और वो क्या टाइम है देखें यहाँ पे एक क्लॉक है हमें यहीं से टाइम देखना है और वो यहाँ पे लिखना है हम हमें कैसे पता चलेगा कि कितने बजे हैं कितना टाइम हुआ है देखें तो अगर हम देखें लॉन्ग हैंड वो कहाँ पे है ट्वेल्व पे है लॉन्ग हैंड इज़ कार्ड द लॉन्ग हैंड इज कार्ड द मिनट हैंड इसका मतलब ये हमें मिनट्स दिखाता है और शॉर्ट हैंड ये हमें क्या दिखाता है आवर हैंड इट मीनस शॉर्ट हैंड किस पे है टेन पे है और लॉन्ग हैंड किस पे है ट्वेल्व पे है इट मीनस कितने बजे है टेन आवर्स हुए हैं और जब मिनट हैंड ट्वेल्व पे होगा तो इट मीन्स टन ओ क्लॉक बजे हैं यानी कि बराबर दस बजे हैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगी कि जब शॉर्ट हैंड यानी कि आवर हैंड किसी भी नंबर पे होगा ठीक है और जो मिनट हैंड है यानी कि लॉन्ग हैंड है वो ट्वेल्व पे होगा इसका मतलब कि वही टाइम हुआ है बराबर उतने बजे हैं इट मीन्स अगर ये आ, शॉर्ट हैंड अगर ये यहाँ पे नहीं होगा अगर ये एट पे होगा शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड जो है वो ट्वेल्व पे होगा इट मीनस एट ओ क्लॉक बजे हैं यानी कि बराबर आठ बजे हैं जब बराबर आठ नौ दस या कोई भी टाइम हुआ होगा तब हम लिखते हैं ओ क्लॉक क्या लिखते हैं ओ क्ला तो आए आपको समझ के ओ क्ला हम कब लिखते हैं जब बराबर उतने बजे हों दस बजे ग्यारह बजे बारह बजे एक बजे दो तीन चार पाँच छः सात आठ बजे ठीक है तो हम उस टाइम बोलते हैं ओ क्लॉक उसी तरह यहाँ पे है तो शॉर्ट हैंड इज़ ऑन द टेन एंड द लॉन्ग हैंड इज़ ऑन ट्वेल्व इट मीन्स द टाइम इज़ टेन ओ क्लॉक ठीक है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे टेन ओ क्लॉक यानी कि बराबर दस बजे हैं ओके okay, फिर यहाँ पे है इट क्लोज़ज़ज़ज़ एट ये बंद कब होता है अगर म्यूज़ियम दस बजे ओपन होता है म्यूज़ियम ओपनज एट टेन ओ क्लॉक इट क्लोज़ज़ एट बंद कितने बजे होता है देखें तो अगेन यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड है इट्स ऑन फाइव एंड द लॉन्ग हैंड इज़ ऑन ट्वेल्व आपको क्या याद रखना है कि जब भी लॉन्ग हैंड ट्व पे होगा और शॉर्ट हैंड किसी नंबर पे भी होगा तो उतने बजे होंगे अभी क्या है यहाँ पे अभी है शॉर्ट हैंड किस पे है फाइव है और लॉन्ग हैंड किस पे है इट्स ऑन ट्वेल्व इट मीन्स कितने बजे है फाइव ओ क्लॉक तो हम कैसे लिखेंगे इट क्लोज एट फाइव ओ क्लॉक ओ को हम ऐसे कॉमर्स में रखेंगे फाइव ओ क्लॉक आया समझ तो पाँच बजे ये बंद होता है दस बजे ओपन uh, होता है पाँच बजे बंद होता है दिस इज स्पेशल शो एट द म्यूज़ियम एट दिस टाइम ड्रा द आर्मज ऑफ द क्लॉक्स अब जो म्यूजियम पे एक स्पेशल uh, शोज है फलानी टाइम uh, पे फॉलोइंग टाइम्स पे स्पेशल uh, शोज़ है तो हमें अब जो क्लॉक्स के हैंड्स uh, हैं वो बनाने हैं टाइम वहीं से दिया गया है टाइम हम ऐसे मेंशन करते हैं जब हमें uh, लिखना होगा टाइम ठीक है तो हम ऐसे लिखते हैं इलेवन यहाँ से है ज़ीरो ज़ीरो इट मींस बराबर एलेवन बजे हैं वन यहाँ से है ज़ीरो ज़ीरो इट मींस एक बजे हैं दो तीन बजे ठीक है एलेवन ओ क्लॉक वन ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक थ्री ओ क्लॉक ओके देखिए अब हमें इसके हैंड्स जो हैं वो बनाने हैं तो टाइम क्या है इलेवन बजे हैं पूरे यानी कि एलेवन ओ है तो मैंने आपको क्या बोला कि जब बराबर ग्यारह बजे होंगे तो हमें आ, आ, तो हैंड्स किस पे होंगे कितने बजे हैं इलेवन बजे हैं तो शॉर्ट हैंड हम किस पे रखेंगे एलेवन पे रखेंगे ठीक है और जो लॉन्ग हैंड है वो किस पे होगा ट्वेल्व पे होगा तो ये लीजिए हमने जो है लॉन्ग हैंड ट्व पे रखा शॉर्ट हैंड इज़ ऑन एलेवन लॉन्ग हैंड इज ऑन टवेल्व इट मीन्स द आवर हैंड इज़ ऑन एलेवन तो कितने बजे हैं ग्यारह बजे हैं और मिनट uh, हैंड किस पे है ट्वेल्व पे है यानी कि बराबर ग्यारह बजे हैं ठीक है फिर क्या है वन यहाँ से है ज़ीरो जीरो इट मीन्स वन ओ क्लॉक बराबर एक बजे हैं तो दूसरा जो शो है म्यूजियम का वो कब है एक बजे तो इट मीन्स बारह मतलब एक बजे हैं पूरे एक बजे है, तो हैं तो लॉन्ग हैंड किस पे होगा यस या ये होगा ट्वेल्व पे लॉन्ग हैंड होगा ट्वेल्व पे और शॉर्ट हैंड किसपे होगा कितने बजे हैं एक बजा है तो शॉर्ट हैंड होगा एक पे इट मीन्स वन ओ क्लॉक एक बजे है फिर है दूसरा शो जो है एक और शो है म्यूज़ियम में दैट्स ऑन टू ओ क्लाक दो बजे हैं वो बराबर अभी दो बजे हैं ना कम ना ज़्यादा तो हम कैसे लिखेंगे हाँ डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग हैंड किस पे होगा हाँ ट्वेल्व पे होगा और शॉर्ट हैंड किस पे होगा कितने बजे हैं दो तो दो की तरफ एरो है इट मीन्स दो बजे हैं बराबर दो बजे हैं ओके फिर है थ्री ओ क्लॉक यानी कि थ्री आ, तीन बजे हैं बराबर तीन बजे हैं न ज़्यादा और न कम तो हम वो कैसे लिखेंगे देखिए लॉन्ग हैंड कि, किस पे रखेंगे हम ट्वेल्व पे वेरी गुड और शॉर्ट हैंड किस पे रखेंगे थ्री पे इट मीन्स कितने बजे हैं थ्री बजे हैं बराबर तीन बजे हैं तो ये आपको समझ आया होगा कि जब बराबर कोई टाइम होता है एक बजता है दो बजते हैं ना कम ना ज्यादा बराबर वो टाइम होता है तो हम उसको बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक वन ओ ठीक है तो हम हैंड्स uh, किस पे होते हैं अगर ग्यारह बजे होंगे तो शॉर्ट हैंड आवर हैंड किस पे होगा एलेवन पे होगा और लॉन्ग हैंड किस पे होगा ट्वेल्व पे होगा आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर लॉन्ग हैंड ट्वेल्व पे होगा uh, और शॉर्ट हैंड किसी भी नंबर पे होगा तो उतने बजे हैं बराबर उतने बजे है आए आपको समझ अब यहाँ पर एक और यहाँ पर कंसेप्ट है हाफ पास्ट द आवर क्या है हाफ पास्ट द आवर तो ये कब बजते हैं ये कौन सा टाइम होता है ठीक है ये कौन सा टाइम होता है देखिए यहाँ पे मैं एक क्लॉक बनाऊंगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉक है ठीक तो मैंने आपको बोला जब ये शॉर्ट हैंड किसी भी नंबर पे होगा फॉर एग्जांपल थ्री पे होगा तो इसका मतलब है आवर हैंड यानी कि घंटे कितने हुए हैं तो ये जो ये डायरेक्टली मूव करता है थ्री टू फोर यानी कि थ्री से लेकर ये फिर कहाँ टर्न करता है कहाँ मूव करता है फोर पे ठीक है लेकिन इसको कितना टाइम लगता है थ्री से लेकर फोर तक जाने में हाउ लॉन्ग इट टेक टू मूव फ्राम थ्री टू फोर डेयर स्टूडेंट्स इट यूजली टेक वन आवर टू रीच द अनदर नंबर देखें अगर थ्री पे शॉर्ट हैंड है इट मीन्स तीन बजे हैं ठीक है अगर लॉन्ग हैंड ट्वेल्व पे होगा तो uh, अभी जो है अब चार बजने वाले हैं ठीक है तो ये कैसे इसको कितना टाइम लगेगा चार तक पहुंचने में तो ये फिर चार तक पहुंचेगा लेकिन टाइम कितना लगेगा इसको इसको लगेगा वन आवर कितना लगेगा वन आवर सिर्फ एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करने में इसको कितना टाइम लगेगा वन uh, आवर लगेगा ठीक है तो ये थी आवर हैंड की बात तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है तो ये एक क्लॉक है अब हम करेंगे मिनट की बात मिनट हैंड की बात ठीक है अगर ये अभी टू पे है लॉन्ग हैंड अभी टू पे है ठीक है तो ये जल्दी जल्दी मूव करता है थ्री तक फिर फोर तक फिर फाइव तक फिर सिक्स तक यानी कि ये मिनट हैंड है इसको सिर्फ जो ये मिनट हैंड है इसको टू टू थ्री तक जाना है लेकिन इसको कितने मिनट्स लगते हैं ये डिस्टेंस कवर करने में फाइव मिनट्स लगते हैं कितने लगते हैं फाइव मिनट्स लगते हैं इसको एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में लेकिन जो आवर हैंड है इसको कितना टाइम लगता है शॉर्ट हैंड को कितना टाइम लगता है एक नंबर से दूसरे नंबर में पे जाने के लिए वन आवर इसको लगता है सिर्फ फाइव मिनट्स ठीक है तो ये जो लॉन्ग हैंड है ये टू टू थ्री फिर हो जाता है थ्री टू फोर थ्री फोर टू फाइव सिक्स सेवन तो लास्ट तो, में कहाँ पे पहुँचता है ट्वेल्व पे पहुँचता है ठीक है पहुंचता है ना टेल्व पे तो इट मींस इसको भी फिर एक आवर लगता है ट्वेल्व तक पहुंचने में ठीक है तो इसका मतलब अगर इसने टेल्थ से स्टार्ट किया लॉन्ग हैंड ने अब ये जाता है फिर से लॉन्ग हैंड तक तो इसको कितने कितना टाइम लगता है वन आवर लगता है इसको ट्वेल्थ से लेकर एंटर क्लॉक तक आ, जाने के लिए इसको कितना टाइम लगता है एक घंटा लगता है लेकिन जो आवर हैंड होता है उसमें कितना टाइम लगता है एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए एक घंटा उसमें भी एक आवर लगता है ठीक है आ, तो आपको अब आप समझ आया होगा यानी कि अब मैं आपको सिखाऊंगी हाफ़ पास्ट द आवर ये हाफ़ पास्ट द आवर कौन सा टाइम होता है देखें मैं यहाँ पे एक और क्लॉक बनाऊंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ठीक है तो क्या सिखाना है हमें हाफ पास द आवर यानी कि जब लॉन्ग हैंड किस पे होगा सिक्स पे सिक्स पे और शॉर्ट हैंड किसी भी नंबर पे होगा तो इट मीन्स हाफ पास्ट टू बजे है कितने बजे है हाफ पास्ट टू यानी कि ढाई बजे हैं कितने ढाई बजे हैं अगर हम डिजिटल क्लॉक से इसको देखें तो कितने बजे है टूटो थर्टी थर्टी क्यों क्योंकि ट्वेल्व से लेकर सिक्स तक कितने मिनट्स होते हैं थर्टी यानी कि दो बजकर थर्टी मिनट्स ठीक है अब आपको क्या याद रखना है कि हाफ़ पास्ट आवर कब हाफ पास्ट द आवर ये कौन सा टाइम होता है जब भी शॉर्ट हैंड किसी नंबर पे होगा लेकिन लॉन्ग हैंड किस पे होगा सिक्स पे तो उस टाइम हम क्या कहेंगे हाफ पास्ट द आवर टाइम हुआ है आ, उसी तरह अगर यहाँ पे एक क्लॉक यहाँ पे शॉर्ट हैंड जो है वो है सेवन पे ठीक है सॉरी मैं हम हाँ, यहाँ पे दिखाऊंगी मैं आपको शॉर्ट हैंड है सेवन पे और लॉन्ग हैंड है सिक्स पे तो कितना टाइम हुआ है सेवन थर्टी ठीक है क्योंकि ट्वेल्व से लेकर सिक्स uh, तक कितने मिनट्स होते हैं थर्टी मिनट्स होते हैं यानी कि सेवन बजकर थर्टी मिनट हुए हैं ये हुआ डिजिटल हम डिजिटल टाइमिंग डिजिटल क्लॉक से हम ऐसे ही लिखते हैं ठीक है तो आया समझ हाफ पास द आवर कितने होते हैं यानी कि हाफ़ एन आवर एक तो एक पूरा घंटा और एक एक आधा घंटा यानी कि डेढ़ घंटा तो डेयर स्टूडेंट्स हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे कल तो आज के लिए इतना ही खुदा हाफिज़